मकामात दौरे हाजिर में भी सियाहती नक्शे से ओझल हैं। हालांकि जुनूबी जिला अनंतनाग के हल्का इंतखाब कुकरनाग में कई ऐसे मकामात हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि यहां के लोगों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम हो सके। कुकरनाग आने वाले गैर रियासती सैयाह अगरचे यहाँ की मेहमान नवाजी से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं गौर तलब बात यह भी है कि गैर रियासती और गैर मुल्की सैयाह यहाँ साल भर कम तादाद में ही दिखाई देते हैं। टाइम में हम लोग गुरेज गए, लोलाब गए और श्रीनगर में दो दिन रुके, उधर ट्यूलिप गार्डन। अब ये जो गार्डन्स है ये सब देखने अच्छा पल देखे हैं। अब वेरीनाग भी देख रहे हैं, उसके बाद हम इधर आए हैं कोकरनाग में। तो ऐसे ऐसे हम घूम रहे हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। खाना बहुत बढ़िया लगा हमें, वो भी बहुत अच्छे लगा कि जो आपका चिकन मटन का जो डिश है वो बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छा लगा लोगों का हंस के मिलना, इसलिए मुझे बहुत। सैयाहों का कहना है कि जिस तरह यहाँ के बारे में उन्हें बताया गया था कि यहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आकर ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने मुल्क और गैर मुल्की लोगों से गुजारिश की है कि वो जिंदगी में कम से कम एक बार यहाँ जरूर आए। Yeah, we are feeling very nice and we visit actually in 2018 we visited Kashmir. We went to Aru Valley, that side we went for trekking also. So that time also we were pleased by the hospitality of the people. And this time also when we went to Gurez, actually before coming we were very scared that we will come to Kashmir, what is going on over here. I mean parents and all elders, they did not allow us that we you will go alone, what will happen, take someone else, so like that. But after coming here what we feel that people are so good over here. When we went to Gurez, the way they were giving us food, they were treating us, we were really pleased by the behavior of all the people. मकामी लोगों का कहना है कि कुकरनाग में कई मकामात ऐसे हैं जिन्हें कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। ताहम बदकिस्मती की बात यह है कि महकमा सियाहत उन मकामात को फरोग देने के हवाले से अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा है। मीडिया पर सबसे अहम चीज़ जो है इसको मीडिया पर लाने की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि लोग जो है ये इस जानब पुरकशिश बने और लोग जो उनको पता नहीं है कि इस कुकरनाग के बारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए और इसकी आमदनी बढ़े और यहाँ के जवानों का जो यहाँ के बेरोज़गार नौजवान है तो उनको रोज़गार यहाँ पर। कश्मीर जो है ये अल्लाह ताला ने एक जन्नत बना दिया है इस धरती पर, तो आप लोग आइए यहाँ पर, आप देखें इस नज़ारे का लुत्फ़ उठाइए। यहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छा मौका दे उनको, अच्छा मौका फराहम करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। वहीं होटल्स के मालिक ने भी महकमे सियाहत को मस्कूरा इलाके पर तवज्जो देने की अपील की है। अगर देखा जाए तो ये टूरिज्म में अभी लाया गया नहीं है, माशाल्लाह इस साल जैसा लगता है टूरिस्टों का रूह आना हुआ है यहाँ पे। अगर आप सीज़न की ही बात करेंगे तो माशाल्लाह काफ़ी टूरिस्ट आए हैं और आ रहे हैं, और आने वाले सीज़न में अगर देखा जाए तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। और यहाँ ओवरऑल देखा जाता है हर होटल पैक है, लेकिन इसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट का ताउन चाहे, इस हालात का ताउन चाहे ताकि इसमें कोई किसी चीज़ का दरार ना हो जाए। तो अभी तक कैसा विंटर सीज़न की अगर बात करेंगे, ठीक ठाक हुआ है यहाँ पे आ रहा है यहाँ टूरिस्ट। मैं उन लोगों को एक बार मैसेज देना चाहता हूँ, यहाँ इस डेस्टिनेशन को आप देखिए, इस डेस्टिनेशन को आप प्रमोट कीजिए, इस डेस्टिनेशन को विजिट कीजिए। जितने भी आप लोगों ने आज तक वो डेस्टिनेशन है गुलमर्ग, सोनमर्ग एंड पहलगाम, एक बार यहाँ पे भी आप एक बार रुख कीजिए, यहाँ देखो ये डेस्टिनेशन कैसी है और जिंदगी भर ये डेस्टिनेशन आपको याद। उन्होंने मस्कूरा महकमे से मुतालबा किया कि वो कुकरनाग में सियाहती शोबे को फरोग देने के लिए तरजीही बुनियाद पर इकदामात उठाएं ताकि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए मौके फराहम हो सकें। ईटीवी भारत के लिए कुकरनाग से मोहम्मद दीन इमरान की रिपोर्ट।